असलकम स्टूडेंट्स कोई भी आइडिया जो है वो अपरचुनिटी नहीं हो सकता जब तक उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो इंश्योर ना हो जाए इनिशियली फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की बात होती है ऑफ़कोर्स बाद में ट्रिपल बॉटम लाइन यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात भी आती है लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर क्योंकि वो फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे किसी भी सोशल एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जो है उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो उस सोशल एंटरप्रेन्योर जो ऑर्गेनाइजेशन है या वेंचर है उसकी कैपेसिटी है आपके पास बहुत बड़ा बहुत इनोवेटिव आइडिया हो सकता है लेकिन क्या वेंचर की इतनी कैपेसिटी है फिज़िकल जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्स भी शामिल हैं जिसमें इक्विपमेंट भी शामिल है जिसमें स्टाफ जिस और कितना आपके पास स्पेस और साइज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैपेसिटी में आ जाती हैं अगर तो वेंचर की जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है तो फिर हम कहेंगे कि ये सस्टेनेबल होगा और ये वायेबल अपॉर्चुनिटी है वरना नहीं दूसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल कैपेसिटी से मिलती जुलती चीज़ है और वो है सोशल वेंचर की कैपेबिलिटी। जैसे कैपेसिटी जो है उसमें इक्विपमेंट फैसिलिटीज फाइनेंशियल रिसोर्स हैं तो कैपेबिलिटी जो है इट्स मोर अबाउट ह्यूमन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद सोशल एंटरप्रनोर जो लीडर है जो आइडिया या इनोवेटर है वो उसका स्टाफ उसके वॉल्टियर्स उसकी टीम जो है क्या मिला जुला के इन सब की ये कैपेबिलिटी है कि वो उस इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सके क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके पास हमेशा फाइनेंशल रिसोर्स कम होते हैं तो ये नहीं हो सकता कि हर दफ़ा जब वो कोई नया आइडिया अपने काम में शामिल करें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो नए लोग जो हैं वो टीम में शामिल करें यूजली सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कम से कम रेगुलर टीम और ज़्यादातर वॉल्टियर्स के साथ काम करने की कोशिश करते हैं ताकि कॉस्ट को कम रखा जा सके ऑपरेशनल कॉस्ट को कम रखा जा सके तो किसी भी आइडिया की जो आ, उसकी वायबिलिटी है एज एन अपॉर्चुनिटी उसमें सस्टेनेबलिटी का जो एलिमेंट है वो उस वेंचर की कैपेबिलिटी से उसके लोगों की कैपेबिलिटी से तय होगा अगर लोग अपने आप को इतना कैपेबल समझते हैं एक रियलिस्टिक असेसमेंट उनकी है कि दे आर कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड सस्टेनिंग इट तो ठीक अदरवाइज उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता तीसरी चीज़ जो है वो इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट है ऑफ कोर्स हम पहले भी इसके बारे में मार्केट पोटेंशियल के हवाले से भी बात कर चुके हैं लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ख़ास तौर पर उसी सूरत में मुमकिन है कि जब जिस तरह का सोशल वेंचर हो फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट या हाइब्रिड उस तरह के जो उसके इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड हों उस काम में उस आइडिया में वो समझते हों कि ये आइडिया जो है ये सस्टेनेबल है वो ओवर द टाइम ख़ास तौर पर ऐसे आइडियाज़ जो एक लंबे अरसे में इम्प्लीमेंट होने हैं उनके लिए वो फाइनेंसिंग करने को तैयार हों और उनके पास रिसोर्स मौजूद हों दे कैन मेक श्योर के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स फ्राहम कर सकेंगे दैट वुड इन्श्योर के फाइनेंशियल सस्टेनेबलिटी उस आइडिया की है एंड दैट वुड अल्टीमेटली इन्श्योर के वो आइडिया जो है वो एज़ एन अपॉर्चुनिटी अवेल किया जा सकता है एक और जो रिलेटेड इससे आइडिया है वो एबिलिटी टू जनरेट इनकम है of course जो फार प्रॉफिट सोशल वेंचर्स हैं उनकी तो एबिलिटी होती है इनकम जनरेट करने की उनके लिए कंसर्न होता है कि जिस तरह वो एक्सपेंड कर रहे हैं जिस तरह उनकी services या प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं जिस तरह उनका मार्केट शेयर increase हो रहा है उसके मुताबिक क्या वो एक्सेस revenues अर्न कर रहे हैं या इनकम जनरेट कर रहे हैं ताकि वो उस एक्सपेंशन को मैच कर सके लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट है उनके लिए ये थोड़ा सा आप जिसको कहते हैं अनचार्टेड वाटर है कि अर्नड इनकम जो है एक लिहाज से वो उनके मिशन के अगेंस्ट है वो प्योरली सोशल पर्पस के लिए इस्टेब्लिश हुए थे पैसा कमाने के लिए नहीं अब अगर उनको पैसा कमाना भी है उसी सोशल मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन होंगी उसमें लीगल इश्यूज आएंगे उसमें डोनर्स और जो फिल्म हैं उनके भी कंसर्नस आएंगे कि आप तो ख़ुद इनकम अर्न कर रहे हैं तो हमारी तरफ़ से डोनेशन की क्या ज़रूरत है हमारे डोनेशन का आपकी इनकम के वीज़ा भी क्या साइज क्या शेयर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो इस लिहाज से नॉट फॉर प्रॉफिट जो सोशल वेंचर्स हैं वो थोड़ा नर्वस अभी फ़ील करते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि किस तरह जो नॉट फॉर प्रॉफिट्स हैं सोशल वेंचर वो इनकम अर्न कर सकें उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन को कंट्री वाइज देखा जा रहा है और डोनर्स भी उसको अंडरस्टैंड और डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट जिसको किसी भी तरह से एम्फोसाइज uh, कम एम्फोसाइज नहीं किया जा सकता वो है सोशल मिशन अगर किसी सोशल वेंचर का मिशन जो है वो कंपेलिंग है कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस है जो लोगों की इंतहाई ज़रूरत है जो लोगों की सोशल वैल्यूज़ से करीब है जो लोगों के दिलों के करीब है तो वो मिशन जो है वो उनको फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने में मददगार होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर पर रिसर्च के लिए ऑर्गेनाइजेशन या कोई कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी या हॉस्पिटल जो है उसकी एक अपील है ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है लेटर स्टेज़स पे डायग्नोसिस होता है तो ऐसे में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई सोशल एंटरप्राइज जो है वो इसलिए इस्टबलिश होता है कि वो कैंसर के ट्रीटमेंट और उस पर रिसर्च को बढ़ावा दे सके तो लोग किसी भी तरह उसके लिए डोनेट करने उसमें इन्वेस्ट करने उसके लिए फ़िल्म्रापी करने को अपना टाइम वॉलेंटियर करने को अपनी एक्सपर्टीज़ वालेंटियर करने को तैयार होते हैं क्योंकि वो मिशन जो है वो इतना कंपेलिंग है कि वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी सोशल वेंचर को उसके में जो कोई नया आइडिया है उसके अपॉर्चुनिटी होने के लिए उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का पोटेंशियल जो है वो डिटामिन करती हैं थैंक यू